आपकी निष्ठा के लिए सीएजी की प्रासंगिकता और गरिमा को लगातार नई दिशा देने के लिए बधाई देता हूं। साथियों, बहुत कम इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो समय बीतते बीतते अधिक मजबूत होते हैं, अधिक मैच्योर होते हैं और अधिक उपयोगी होते हैं। ज्यादातर इंस्टीट्यूशन जन्म लेते हैं 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक आते आते ही स्थितियां इतनी बदल जाती हैं कि वो कभी कभी अपना रिलेवेंसी खो देते हैं। लेकिन सीएजी के संबंध में हम कह सकते हैं कि इतने सालों के बाद ये इंस्टीट्यूट अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी अमानत है और हर पीढ़ी को उसे संभालना, उसे संवारना, उसके सजाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए और अधिक उपयुक्त बना करके उसको संक्रमित करना, ट्रांसफर करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। साथियों, पिछली बार जब मैं यहां आया था, आप लोगों से मुलाकात हुई थी, तब हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे थे। उस कार्यक्रम में बापू की प्रतिमा का अनावरण किया गया था और आज जब ऑडिट डे का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है तो देश अपनी आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हमें देश की अखंडता के नायक सरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मिला है। गांधी जी हो, सरदार पटेल हो या फिर बाबा साहब आंबेडकर, राष्ट्र निर्माण में इन सभी का योगदान सीएजी के लिए, हम सभी के लिए, कोटि कोटि देशवासियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। देश के लिए कैसे बड़े लक्ष्य तय किए जाते हैं, कैसे उन्हें हासिल किया जाता है, कैसे व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाता है, इन महान व्यक्तित्वों की जीवन गाथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। साथियों, एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। सीएजी बनाम सरकार, ये हमारी व्यवस्था की एक सामान्य सोच बन गई थी और कभी कभी तो ये भी हो जाता था कि बाबू लोग ऐसे हैं, ऐसा ही देते हैं। बाबुओं को लगता था सीएजी वाले ऐसे ही हैं कि हर चीज में उनको नुस्खी नजर आता है। हर एक की अपनी अपनी बात थी, लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। सरकार के कामकाज का आकलन करते समय सीएजी के पास आउटसाइडर व्यू पॉइंट का एडवांटेज होता है। आप जो कुछ हमें बताते हैं उससे हम सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट्स करते हैं, उसे हम अपने लिए एक सहयोग के तौर पर देखते हैं। मुझे लंबे अरसे तक सरकारों का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है।
मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तब भी अपने अधिकारियों से कहता था और आज भी यही कहता हूं, सीएजी में जो डॉक्यूमेंट और डेटा मांगे जाते हैं वो तो आप जरूर दीजिए, अपने काम से जुड़ी दूसरी फाइल्स भी उन्हें दीजिए। इससे हमारे लिए और बेहतर काम करने का स्कोप तैयार होता है, हमारा सेल्फ असेसमेंट का काम आसान हो जाता है। साथियों, शुचिता और पारदर्शिता हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो या सरकार में, ये हमारे लिए सबसे बड़े मोरल बूस्टर होते हैं। उदाहरण के तौर पर, पहले देश के बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी की कमी के चलते तरह तरह की प्रैक्टिसेस चलती थी। परिणाम यह हुआ कि बैंकों के एनपीएस बढ़ते गए, एनपीएस को कारपेट के नीचे कवर करने का जो कार्य पहले के समय किया गया वो शायद मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी के साथ पिछली सरकारों का सच, जो भी स्थिति थी, देश के सामने खुल करके रख दी। हम समस्याओं को पहचानेंगे तभी तो समाधान तलाश कर पाएंगे। इसी तरह आपकी तरफ से फिस्कल डेफिसिट को लेकर, सरकारी खर्चों को लेकर लगातार आगाह किया जाता था। हमने आपके कंसर्न्स को सकारात्मक तरीके से लिया। अनयूज्ड और अंडर यूज्ड एलिमेंट्स को मोनिटाइज करने के साहसिक निर्णय लिए। आज इन फैसलों के परिणाम फिर से गति पकड़ रही अर्थव्यवस्था, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उसका स्वागत सम्मान हो रहा है। सीएजी में जब आप इनका व्यापक आकलन करेंगे तो मुझे लगता है इन फैसलों के कई ऐसे पहलू सामने आएंगे जो कभी कभी विशेषज्ञों से भी छूट जाते हैं। साथियों, आज हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें जो पुरानी सोच है सरकार सर्वम, सरकार जानम सरकार ज्ञानम, इस पुरानी सोच को हमने बदलने का तय कर लिया और उसका परिणाम सरकार का दखल भी कम हो रहा है और आपका काम भी आसान हो रहा है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स, ऑटोमेटिक रिन्यूअल्स, फेसलेस असेसमेंट्स, सर्विस डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस, इन सारे रिफॉर्म्स ने सरकार के गैर जरूरी दखल को खत्म किया है। सिस्टम में जब ट्रांसपेरेंसी आती है तो नतीजे भी हमें साफ साफ दिखाई देने लगते। आज भारत पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज 50 से ज्यादा
हमारे भारतीय यूनिकॉर्न खड़े हो चुके हैं। हमारे आईआईटीज आज चौथे सबसे बड़े यूनिकॉर्न प्रोड्यूसर बनकर उभरे हैं। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के इस अभियान में आप सभी को, देश की हर संस्था को सहभागी बनना है, ओनरशिप लेनी है, को ट्रैवलर के रूप में चलना ही चलना है। हमारी हर संवैधानिक संस्था के लिए ये अमृत काल का एक संकल्प 2047 में जब हिंदुस्तान शताब्दी मनाएगा तब देश को बहुत ऊंचाई पर ले जाने की ताकत के रूप में काम आएगा। साथियों, दशकों तक हमारे देश में सीएजी की पहचान सरकारी फाइलों और वही खातों के बीच माथापच्ची करने वाली संस्था के तौर पर रही है। सीएजी से जुड़े लोगों की यही इमेज बन गई थी और इसका जिक्र मैंने 2019 में भी जब आपके बीच में आया था मैंने उल्लेख किया था। मुझे खुशी है कि आप तेजी के साथ परिवर्तन ला रहे हैं, प्रक्रियाओं को आधुनिक बना रहे हैं। आज आप एडवांस एनालिटिक टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जियो स्पेशल डेटा और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनोवेशन हमारे संसाधनों भी उसमें भी होना चाहिए और हमारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करी रहा छे। अमे सरकारी दखलगीरी वातनी साथे सहमत होवानी वात पण तेओए करी छे। सरकार सर्वम सरकार जानम सर्वार ज्ञानम नी जे भूतकाळनी वातो हती ते भूली सरकार आगळ वधी रही है।